नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस खास वीडियो में स्वागत है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपका वीडियो पूरा देखने का कोई इरादा नहीं है तो अभी से बंद कर दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। मित्रों, भारत को देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि निर्माण इसी जगह से शुरू हुआ था। सृष्टि में सबसे पहले इसी भूखंड का निर्माण हुआ था, इसीलिए सभी देवी देवताओं ने इसे पवित्र मानकर इसी पर जन्म लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि यदि भारत देवताओं की जन्मभूमि है तो ये गुलाम कैसे हो गया? ये सवाल सबसे बड़ा है जो हमें झकझोर कर रख देता है, क्योंकि धर्मपरायण देश पर मलेच्छ और अंग्रेजों जैसे अधर्मकारियों ने राज किया और यहाँ की जनता को गुलाम बनाया, उनका खून चूसा, देश को दरिद्रता की दलदल में धकेल दिया। लेकिन ये बात सदा सही है कि हर गलती अपनी कीमत मांगती है। हमारे देशवासियों से ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसके कारण धर्म की हानि हुई और अधर्म ने पैर पसार लिए। जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, लोगों ने जाति पाति और अपने अपने धर्म कर्म और देवी देवताओं को ऊंचा बताना शुरू कर दिया। धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई, कई लोग धर्म के ठेकेदार बनकर अपना ही राग अलापने लगे। शिवजी के भक्त विष्णु जी को नीचा दिखाने लगे, यहाँ तक कि उनका अपमान भी करने लगे। विष्णु जी के भक्त शिव जी को नीचा दिखाने लगे और इसी तरह उनका अपमान करने लगे। इस प्रकार देवी देवताओं को लेकर भी मनगढ़ंत कहानी और काव्य बनाकर अपने अपने पूज्य को श्रेष्ठ और दूसरे के पूज्य को निकृष्ट बताकर जनता में प्रचार करने लगे। इससे समाज में कई संप्रदाय बन गई, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलापने लगे। जातियों को लेकर लोग ऊंच नीच का भेदभाव करने लगे, जातियों को लेकर वर्ण व्यवस्था बना दी और ब्राह्मण स्त्री वैश्य ऊंची जाति के और शूद्र को नीची जाति का बना दिया, उसे दलित बना दिया और दलितों पर खूब अत्याचार किए गए। जिस प्रकार एक क्रूर राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, इस प्रकार दलितों का अपमान किया जाने लगा। यहाँ तक कि उनको मंदिर में जाने की भी इजाज़त नहीं थी। दलित जाति का व्यक्ति मंदिर में नहीं आ सकता, इससे मंदिर अशुद्ध हो जाता है, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। दलित को अलग थलग कर दिया, उनको पीने का पानी भी अलग जगह से लाना होगा। धर्म और जाति के नाम पर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी कि पूछो ही मत। जो लोग धर्म की बात कर रहे थे, उनके पास धर्म कहाँ रहा? धर्म की आड़ में अधर्मी बन गए, दलितों का अपमान किया, इससे पापी बन गए। इतनी बड़ी गलती इस देश में इस देश के वासियों से हुई, इसलिए भारत देवताओं की भूमि होते हुए भी भारतवासी गुलाम हो गए। भारत में ये धर्म संप्रदाय जाति पाति का भेदभाव ऐसा नासूर है जिसके कारण आक्रमणकारियों ने अपनी जड़ें जमा ली। अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर 200 सालों तक राज किया। दुख की बात ये है कि भारत में अब भी संप्रदायवाद और जातिवाद का भेदभाव बना हुआ है। संप्रदाय और जाति पाति के नाम पर दंगे होते ही रहते हैं और बहुत से राजनेता इसका फायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि भारत देवताओं की भूमि होते हुए भी भारतवासी गुलाम कैसे हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।